फिल्म वीरू देवगन की जिंदगी का बहुत बड़ा सपना है, जो जात पात, समाज, क्रोध और शर्तों से परे हटकर देखा और महसूस किया है मैंने। ये वो ख्वाब है जो आपके सहयोग के बिना हकीकत पे नहीं बदल सकता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे और वक्त की रेत में दबकर फना हो गए, मगर मैं आज भी जिंदा हूं। मैं हिंदुस्तान हूं। मेरी उम्र क्या जाने जमाना हो, इतिहास मेरा सदियों पुराना, क्या जाने जमाना। ऋषियों का धर्म, सूफियों का ईमान हूँ, ऋषियों का धर्म, सूफियों का ईमान। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। देख शिवा भर मोह है शुभ कर मन ते, कब हूँ न डरो न डरो, अर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ, अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ। जिंदा हूँ लेकिन मैं कट गया हूँ, जिंदा हूँ लेकिन मैं कट गया हूँ। अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। अरे भैया मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, पहले मुझे दे दो। पापा पापा झंडा ला दे। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका मान करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। कौन हो तुम? कबीरा, जिसने इस परचम की आन के लिए अपना ये बाजू कुर्बान कर दिया। इस 54 के तिरंगे के लिए? शाबाश, भारत माता के आंचल की कीमत 54 लग। दरअसल कसूर भी तुम्हारा नहीं है, आजादी तुम लोगों को विरासत में मिली है।
वो भी सिर्फ हिस्ट्री के पीरियड में। पीरियड खत्म तो किताब भी बंद। तो उन कहानियों को दोहरा कर क्या करें? 50 साल हो गए आजादी मिले। 50 सालों में क्या तुम अपनी इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम जैसे कमजोर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ सकते हो, देश की आन और मर्यादा के लिए नहीं। नहीं बेटे, नहीं। ताली बजाने वाले तमाशा ही होते हैं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी सरहदों की तरफ आंख उठा करके देख सके। रब रखा तुम इस मुल्क के निगेबान हो। लो, जय हिंद, जय हिंद। आज बंटवारे को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार इस कोशिश में है कि हमारे देश का विनाश करे। हालांकि पिछले 3 जंगों में वो हमसे बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, इसलिए वो आतंकवाद के जरिए हमें उकसा रहा है। लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम करने का एक तरीका है, और वो ये है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हासिल करके हम यूएनओ के सामने पेश करें, ताकि वो पड़ोसी मुल्क को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर कर दे। हमारे इंटेलिजेंस आर्मी के कई जांबाज सिपाही इस मकसद में शहीद हो चुका है, और तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच रहा है। नंबर 738 जूलियट जुलू, मैं टॉप सीक्रेट फ्लॉपी के साथ टेक ऑफ कर चुका हूँ। आपसे गुजारिश है S-342 लैंडिंग के लिए क्लियर करवा दें। कौन हो तुम? सिपाही जिसका मकसद है दुश्मन की तबाही, वो फ्लॉपी मुझे दो।
Sit down. Thank you, sir. Bad news, officers. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीज कश्मीरी का प्लेन क्रैश हो गया है। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से पता चला है कि उस वक्त प्लेन में कोई और शख्स भी था जिसने अजीज कश्मीरी को खत्म करके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वहां से गायब हो गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम और चौकन्ने और अलर्ट होकर काम करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें जो इस साजिश में शामिल है। Hey you, तस्वीर कैसे ली? ले ली, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, छाप भी दूंगा। चल छाप दे। क्या हाल है तू भाई? ठीक है। Excuse me, excuse me, autograph please. लाइए। मैं आपकी दीवानी हूँ। I mean, I'm your fan. मैंने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। मैं आते कैसे हैं? Trade secret. कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस? तू लेखक सम्मेलन भी तो गया था ना? अरे हाँ माँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चच्ची जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। बस यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे इसकी डाइटिंग को तो नजर क्यों लगा रहा है? कौन है बेटे? मैं हूँ माँ। इधर सही करा। मैं जाऊँ? ले। क्यों लेती हो ये खैरात माँ? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। नहीं तो के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहां का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहां के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते हैं। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाज, उन देश प्रेमियों ने आजाद हवा में सांस ले सके, क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था, वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों उन्होंने देश के नौजवानों को ललकारा। आजादी नारों से नहीं हथियारों से मिलती है। वो लोग जिनमें मातृभूमि के नाम पर सर कटाने का जज्बा है, वो जियाले जिन्हें धरती की मांग में लहू की सुर्खी लगाने का जज्बा है, वो मेरे साथ आए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी, नेताजी, नेताजी। बोलो जवान। अगर खून से आजादी मिल सकती है तो हम दोनों के शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए। हम अगर कुर्बानी देकर आजादी मिल सकती है तो ये सर हाजिर है, मगर हमारे देश को आजाद करवा दीजिए नेताजी, हमारे देश को आजाद करवा दीजिए। शाबाश। वो देश जिसके पास तुम्हारे जैसे सपूत हो, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी नहीं। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए। देखिए मेरी कार खराब हो गई है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी आप ही को देख रहा हूँ। देखिए मत, चलिए मुझे एयरपोर्ट जाना है जल्दी। एयरपोर्ट क्या, मैं आपको अमेरिका तक छोड़ देता हूँ। अजय साहब, आप जिसके ख्वाब देखा करते थे आज आप उसी के साथ हैं। इस रफ्तार से चलेंगे तो मेरी प्लेन जरूर मिस हो जाएगी। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए ना, देखिए। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा, मरने के बाद नहीं, प्लीज प्लीज। अजी मरे आपके दुश्मन, ये बंदा तो आपने उसी दिन मर मिटा था जिस दिन आप मिस फेमिना, आई मीन मिस इंडिया चुनी गई थी। उस दिन आपको देखकर मेरे दिल ने कहा
अजय मल्होत्रा, तुझे तेरे नॉवल की नई हीरोइन मिल गई। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? First contestant is Miss India. Now time is going to stand still. Let me present the three finalists of this mega event. Miss Greece. अजय बेटे पकोड़े और चाहिए, तैयार हो गए हैं, आकर ले जा। Second finalist is Miss India. अरे माँ, अरे बाप, जल्दी चल, तुझे तेरी बहू मिल गई। चल 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 चल, चल। बैठ 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 जा, बैठती हूँ, लेकिन सामने देख, सामने। प्रिया, when there is so much प्रिया, जब हिंदुस्तान में इतनी भुखमरी और गरीबी है तो फिर भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जिस सोने के पीछे आज सारी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, उस सोने की असलियत से हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि हमारे लिए सोना है हमारे खेतों में लहलाती फसलें, अपने बच्चे के लिए एक माँ की छाती में उमड़ती ममता, भाई के कलाई के लिए एक बहन के राखी का प्यार, एक पत्नी के लिए उसके मांग में दमकता सिंदूर, प्यार, मोहब्बत और रिश्तों का ये सोना कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। शुक्रिया। And the crown goes to Miss India, Priya. Excuse me. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very, very much. Ouch. Excuse me, please. Hi. Congratulations. उस दिन। Hi, Priya. Hi. कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस आके। Thank you. लव मुझे लव हो गया है, लव में जो होता है वो सब हो गया है। ना मैं जानू ना तू जाने, ना मैं जानू है ना तू जाने, जाने कैसे कहा क्या कब हो गया है।
लब 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 तुझको मैं तुझसे चुरा के ले जाऊं आ, आ, आ मेरी रानी नैनों की डोली में बिठा के ले जाऊं आजा मेरे पीछे पीछे आजा मेरे है पीछे पीछे तेरा सब कुछ मेरा अब हो गया है सुन ओ दीवाने पास ना आया मुझे कुछ हो जाएगा सुन ओ हसीना दूर ना जाना मुझे कुछ हो जाएगा कुछ भी कर लो कुछ भी कह लो कुछ भी कर लो हाँ हाँ कुछ भी कह लो सारी बातों का ये मतलब हो गया है षड्यंत्र डार्लिंग अगर स्वयंवर रचा जाए और वरमाला हो तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों में तो किसके गले में डालोगी इसके गले में है? इसके ये कौन है ये जादू है बंगाल रा नहीं कमाल दा है क्या लिखता है मेजर चावला अमेरिका में पाकिस्तानी फौज के स्पाई शेरवानी से मिले शेरवानी ने उन तमाम लोगों की डिटेल्स और नाम मेजर चावला को दिए जो भारत में टेररिज्म फैलाते हैं इसके पहले कि मेजर चावला भारत क्या कह रही तू सर सर हमारे ऑफिसर्स के मर्डर का प्रूफ मिल गया है व्हाट हाँ इस षड्यंत्र में पढ़िए किस तरह अफसर चावले का मर्डर न्यूयॉर्क में किया गया था हु इज द राइटर सर अजय मल्होत्रा सर ब्रिंग हिम फॉर इंटरोगेशन मां मैं जा रहा हूं रुक रुक बेटे रुक दही मुंह को लगा के जा तू घर में बैठकर क्या नॉवेल ले नहीं सकता अरे मां नहीं नहीं कहा जा रहे हैं क्या मतलब चाची जान आपकी होने वाली बहू श्रीनगर में शूटिंग कर रही है और ये जनाब उसी से मिलने वहां जा रहे हैं अच्छा अगर ये भूल गया तो तू अपने होने वाली भाभी को सीधा मेरे पास ले आना अरे लेकिन चाची जान मैं तो इसके साथ सिर्फ दिल्ली तक जा रहा हूँ वहां से हिंदू भाई जाएंगे श्रीनगर और मुसलमान भाई जाएंगे पंजाब सत श्री अकाल जी कहिए अजय मल्होत्रा जी कार में है वो तो आज सुबह ही श्रीनगर चला गया श्रीनगर चला गया यस मराठे श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर मैंने उस खुफिया जगह का सुराग लगा लिया है जहाँ हमारे भटके हुए नौजवानों को पाकिस्तान ले जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है वेल डन माय बॉय वेल डन थैंक यू सर बट बी केयरफुल क्या बात मुजाहिदों दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने के दो तरीके हैं छीन लो या खरीद लो कश्मीर हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा दुनिया की कोई भी ताकत हमारे इस मंसूबे को पूरा होने से रोक नहीं सकती अगर कश्मीर हमारा न हो सका तो बर्बाद और तबाह हो जाएगा पाकिस्तान 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 अजय मल्होत्रा 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 मल्होत्रा
यस मराठे सर, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन लेकिन अजय मल्होत्रा सारे सबूत। ओह माय गॉड, डैम इट, वेयर इज अजय मल्होत्रा? कहां है वो? सर वो अभी तक श्रीनगर से नहीं लौटा है क्या? हमारे एजेंट बाजीराव मराठे का मर्डर हो गया है। उस वक्त जब मराठे टेररिस्ट कैंप की वीडियो फिल्म बनाने में कामयाब हो गया था। एंड डू यू नो हु इज द ब्लडी किलर? अजय मल्होत्रा। क्या? बट इट इज इम्पॉसिबल सर, अजय मल्होत्रा तो सिर्फ एक राइटर है। लुक एट दिस। वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी एक सोची समझी चाल थी, ए थॉटफुल प्लान। चोट लगी है क्या? चोट तो लगी है, लेकिन यहाँ मरहम लगा दूं? लगा दूं? एक डोज से काम नहीं चलेगा। लगता है पिछले जन्म में बिल्ली थी। बिल्ली? नहीं 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 नहीं, शेरनी। बस ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, जाइए जाके तैयार हो जाइए। किस लिए? न्यू ईयर पार्टी पे नहीं चलना है क्लब, हंगामा होगा, छलकती शराब होगी, महकता शबाब होगा। लगता है आज खाना खराब होगा। मेरा दिल है आज, मेरा दिल मचल रहा है। हाँ, मेरी है तेरे दिल के पास, मेरा दिल है आज, मेरा दिल मचल रहा है। हाँ, हाँ, मेरी जान निकल रही है या कोई अरमां निकल रहा है। दिल चाहे ऐसे में, अरे दिल चाहे ऐसे में, एक दूजे को थाम ले। मेरा दिल है आज, मेरा दिल मचल रहा है।
हुस्न भी है यहाँ इश्क भी है महफिल में क्या नहीं है यहाँ हुस्न भी है यहाँ इश्क भी है महफिल में क्या नहीं है जरा मुड़ के देख हम जैसा एक कोई दूसरा नहीं है अरे लोगों के होठों पे तेरा मेरा नाम है मैं हूँ तेरे संग महफिल का रंग पल पल बदल रहा है ओ मेरी जान निकल रही है या कोई अरमान निकल रहा है तेरे दिल के पास मेरा दिल है आज मेरा दिल मचल रहा है झुका के बातें दबा के होठों को सी रहे हैं करके सलाम चाहत के जाम आंखों से पी रहे हैं आंखें झुका के बातें दबा के होठों को सी रहे हैं करके सलाम चाहत के जाम आंखों से पी रहे हैं दिल दे दे दिल ले ले नहीं और कोई जादू सा चल रहा है चपा निकल रही है या कोई अरमान निकल रहा है हे हे तेरे दिल के पास मेरा दिल है आज मेरा दिल मचल रहा है अरे दिल चाहे ऐसे में एक दूजे को थाम ले ठीक आधी रात हम इस उजाले की आंखें बंद कर देंगे ताकि नए साल का स्वागत कर सकें हैप्पी न्यू ईयर मैडम अजय तुमने बाजीराव मराठे का खून क्यों किया मैंने किसी का खून नहीं किया तो फिर श्रीनगर किस लिए गए थे क्या किसी भी इज्जतदार आदमी को श्रीनगर जाने से पहले मिलिट्री वालों की परमिशन लेनी पड़ती है हर इज्जतदार आदमी तुम्हारी तरह कातिल नहीं होता मैं एक राइटर हूँ कातिल नहीं शोहरत हासिल करने का एक गिमिक एक नया अंदाज अख्तियार किया है तुमने राइटर का चोला पहनकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसरों का कत्ल करते हो और फिर उन पर नाम लिखते हो हाँ मैं लेखक हूँ लेकिन खूनी नहीं गॉड डैमन तुम झूठ बोलते हो एक इज्जतदार शहरी के साथ इस तरह बर्ताव करने का अंजाम जानते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेकिन तुम्हारे साथ ये रियायत इसलिए की जा रही है कि तुम एक शहीद फौजी के बेटे हो जो मेरे सीनियर थे इसलिए ये सम्मान दिया जा रहा है मुझे सम्मान और कीमत तो तुम्हें वो लोग देते होंगे जिनके लिए तुम ये खून करते हो ये सरासर इल्जाम है तो एक ही है षड्यंत्र जो मेजर चावला के खून पर आधारित है ये देखो प्रकोप जो हमारे ऑफिसर अजीज कश्मीरी के खून पर लिखा हुआ है ये देखो चक्रव्यूह हादसा ये सब नावल तुमने मर्डर करने के बाद लिखे हैं मैंने कोई मर्डर नहीं किया तो फिर इन तमाम नावल्स के प्लॉट तुम्हारे दिमाग में कैसे आए ये सब प्लॉट मैंने ख्वाब में देखे है? क्या हाँ मैंने सपने में देखे ओ की कह रहा है ये हाँ मैंने सपने में देखे थे रमेश तुम हमें बेवकूफ समझते हो नमस्ते मेरा नाम प्रिया है और नहीं हुआ जय की माँ आओ बेटी अंदर आओ आओ बेटी हाय मैं वारी जाऊं कितनी सुंदर है मेरी होने वाली बहू वो नालायक कहाँ है कौन अजय कहाँ है अजय घर पर नहीं है वो तो श्रीनगर गया था ना
तुम दोनों साथ आने वाले थे? ओह नो, क्या हुआ बेटी? अजय, 31 दिसंबर की रात को अजय अचानक पार्टी से कहीं गायब हो गए। मैंने सोचा शायद मुझे सताने के लिए वो बिना बताए यहाँ चले आए होंगे, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आए तो हे राम, कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? ओए भूरा। यस साहब। कमीज लाओ। ये लीजिए साहब। भूरा। जी साहब। हेलो भाई साहब, अजय श्रीनगर गया था, वहां से न जाने वो कहां चला गया? क्या? ओए दर्द, मैं थक गया। तेरे नावल में सारी डिटेल आई कहां से? सपने में। अबे ये बताता क्यों नहीं, तुझे ये कहानियां मिली कहां से? सपने में। सपना। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी, अगर वो जिंदा है, आई एम सॉरी, हम उसे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अरे रे 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 रे, ये आपने क्या किया? इतना महंगा कैमरा तोड़ दिया, मेड इन इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड वालों को भी इसी तरह तोड़ दिया था। सर जी, मैंने नावल में पढ़ा है, विदेशों में हार्ड कोर क्रिमिनल को, बड़े बड़े क्रिमिनल को हिप्नोटाइज करके सब कुछ उगलवा लेते हैं। मिस्टर अजय, सच्चाई जानने का यह सबसे आसान और सीधा तरीका है। बैठो। लेट जाओ। लेट जाओ। पर सीधे करो, अपनी आंखें बंद करो, ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा है, गहरा अंधेरा। अपनी पिछली जिंदगी में जाओ, 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 जाओ। गीता मौसी, मत मारो मेरी गीता मौसी को। क्या हुआ गीता मौसी? गीता मौसी, रिलैक्स। अब बचपने से बाहर निकलो, अपने बचपने से लौट आओ। तुम्हारे जहन में ये नॉवेल्स के प्लॉट्स कैसे आने लगे? कॉलेज के जमाने से मुझे लिखने का शौक था, मैंने राइटिंग को अपना पेशा बना लिया। मेरी कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगी, और फिर एक दिन Mr. Hamid Sherwani, Chief of the Pakistani Army, welcome. In floppy aur CDs mein Pakistani tanzeem kyun lagate hain? Tumhari is dileri aur gaddari ke liye hum tumhe muh mangi keemat bhi ada kar rahe hain. Shukriya. Thank you. All the best.
You'll be responsible. ये पूरा हादसा मैंने सपने में देखा था। अजीब और गरीब हालात में मुझे ख्वाब आते रहे और मैं उन ख्वाबों को कहानी की शक्ल देता चला गया। होश में आओ अजय, आंखें खोलो। थैंक यू डॉक्टर दस्तूर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर अजय, आई एम सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ पहुंची, बट इट हैज सॉल्वड आवर पर्पस एंड वी आर थैंकफुल टू यू। बेस्ट ऑफ लक, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। आपने उसको जाने देता? अब भी उस पर नजर रखो। अजय, अजय, तेरी यहां देर है, अंधेर नहीं। ये क्या तरीका है किसी को छोड़ के जाने का? पता है मेरी क्या हालत हुई? आई हेट यू, 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 आई हेट यू। तू ठीक तो है ना बेटे? कहां चला गया था तू? मां, मुझे आर्मी वाले ले गए थे। आर्मी वाले ले गए थे, पर क्यों? माँ, उनका कहना है मेरे नॉवल सिर्फ कहानियां ही नहीं, हकीकत है। वही ऑफिसर्स के नाम, वही लोकेशंस, वही मर्डर के तरीके। उन्होंने माना ही नहीं कि ये सब प्लॉट्स मैंने ख्वाब में देखे थे। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। लेकिन माँ, ये गीता मौसी कौन है? जब डॉक्टर मुझे हिप्नोटाइज करके 3-4 साल की उम्र में ले गया, तब मैंने देखा कि कौन है ये गीता मौसी। मां, ये है तेरी गीता मौसी, ये तू है, और ये है तेरा जुड़वा भाई राजू। जुड़वा भाई? हाँ, जो तुझसे 8 मिनट पहले इस दुनिया में आया था। सन 71 की बात है, मेरी छोटी बहन गीता छुट्टियों में हमारे घर आई हुई थी। उन्हीं दिनों अचानक लड़ाई छिड़ गई। तेरे पापा बॉर्डर पर तैनात थे, फिर अचानक एक दिन लड़ाई बंद होने का ऐलान हुआ। जंग से उबे हुए लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। ऐ वतन, ऐ वतन, जान जा जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जान सा। ऐ वतन, ऐ वतन, जान जा जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा।
दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा खीर नाल लिपा देंगे रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे गोल 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 कप्पा देंगे और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम है तो क्या हम है प्यारे हम है तो क्या हम है प्यारे कहे खतरा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा हमले की तैयारी करो लेकिन जनाब सीज फायर हो चुका है और अब इस वक्त ये हमला जंगी उसूलों के खिलाफ होगा तुम वही करो जो हुक्म दिया जा रहा है मस्ती मस्ती जुल्फ में बादल जलवा जलवा आंख में काजल ओए क्या कहना फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा चांद का टुकड़ा ओए क्या कहना चेहरा किताबी ओए क्या कहना होठ गुलाबी ओए क्या कहना तेरा चर्चा जलवा तेरा जलवा
वालों को जो हमारी मर्यादा को लगने की जुर्रत करते हैं, तुम्हें भारत माँ की कसम, हिंदुस्तान की कसम। अब हिंदुस्तानियों ने तो हमारे टैंकों के तोते उड़ा दिए हैं। चुप भाई! You've done it, man. Thank you, sir. Jai Hind! Jai Hind! Civilians ko inke gaon tak pahuncha do. Chalo, chalo, jaldi baadho, jaldi baadho. Come on, hurry up, hurry up. Hurry up. Okay, hai kya? Nahi! और उस लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपना पति, अपनी बहन और एक बेटा। सच्चाई ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है भाभी जी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? साफ साफ कहिए ना बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सन 71 की जंग का वो खौफनाक मंजर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। शेर की कछार में आए हो हरामजादे, बच के नहीं जा सकते। मेरा बेटा, ए ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तानी हूँ साहब। पक्का हिंदुस्तानी हूँ, यकीन करो। चलो देखो, मेरा बेटा, इसकी माँ को भी जालिमों ने मार डाला साहब। और फिर वो कमीना राजू को अपने साथ ले गया। मौत का सदमा तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कोई अपना खो जाता है तो उसे पाने की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दुख मैं भाभी जी को नहीं देना चाहता था। प्रभु रखा, न जाने उस कमीने राजू को।
इसका मतलब है बहन जी, आपने अपना दूसरा बेटा गंवाया नहीं है, वो जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा राजू जिंदा है। हाँ बहन जी, दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं कि ये सियामी बच्चे, इन्हें जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, उनके बोल चाल मिलते जुलते हैं, उनके तौर तरीके मिलते जुलते हैं, भले उनके जिस्मों के बीच में हजारों मील का फासला हो, मगर उनके दिमाग के तार मिले हुए होते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को असर होता है, एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन तुम्हारा केस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये पैरासाइकोलॉजी, ये पैरल साइंस, ये एस्ट्रल साइंस, इन तमाम किताबों में ऐसे हजारों जुड़वा भाइयों की मिसालें भरी पड़ी हैं। अजय, वो हादसे जो तुमने ख्वाबों में देखे थे, असल में तुम्हारे भाई ने किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मेरे भाई की असलियत का पता मेरी मां को न लगने पाए। ਰਾਂਢੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲ ਭਰ ਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਮਲਾਉਂਦੀ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਂਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਂਡੀ ਦਿਲ ਭਰ ਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਮਲਾਉਂਦੀ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਂਡੀ ਓਏ ਬੈਸਾਖੀ ਹੈ ਯਾਰੋ ਕੋ ਇੱਕ ਪਊਆ ਤੋ ਦੇ ਦੋ ਯਾਰ ਪਊਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ पहले दा हिसाब पूरा साफ कर। शाजी दारू दे दे, मैं तेरा सारा पैसा एक एक करके दे दूंगा। ए फुदू, मैं कोई भिखारी है हुँ? जो मैनू एक एक पैसा देंगे? शाजी आप मेरा मतलब नहीं समझ। फट परे, एनू उठा के बाहर सुट दे। बड़ा है पैसा। ओ शाजी, यारों को उठाने वाले खुद उठ जाएंगे और यार तो कब्रिस्तान में चार किस्तों में जाएंगे। इश्क बरांडी जो पी जावे मर जानी फिर उसे सतावे। ओ हीर हीर दिन रात कहे, हीर हीर दिन रात कहे, जब रांझे नू लड़ जांदी बरांडी। आए हाय हाय इश्क बरांडी चढ़दी जांदी चढ़दी जांदी इश्क बरांडी। मुसलमान भाई, हिंदू भाई तो यहाँ? तेरे घर गया तो पता चला, सोचा पंडित का ठिकाना बुतखाना, नवाब का अड्डा मैं खाना। तू तो शायरी मार रहा है। आ, राइटर जो ठहरा, किसी नए नावल का प्लॉट ढूंढ रहा है क्या? नहीं यार, अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। भाई, ये क्या कह रहा है? सुन, दुश्मन की दुश्मन बन जाए, सजना की साजन कहलाए, मिर्जे के तरकश की रौनक, मिर्जे के तरकश की रौनक, ते बक्की बन जाती बरांडी। आए हाय हाय इश्क बरांडी चढ़दी जांदी चढ़दी जांदी इश्क बरांडी। उसके बाद से वो कभी नहीं मिला और अब तक समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। अब जाके पता चला कि वो जिंदा है। तू ही बता मैं क्या करूँ उसके बारे में। हिंदू भाई, ये नावल की कहानी है तुम्हारी अपनी? मजाक मत कर यार, समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें। सन 71 के जो हूँ। हिंदू भाई, क्या रोको, इसका रिकॉर्ड आर्मी ऑफिस से मिल सकता है? आर्मी ऑफिस? हाँ, ये एक आदमी है, इसका एक बच्चा बचा था, नाम है जब्बर सिंह। हाँ,
सर ये फोटो हमें मिल सकती है? सॉरी, ये रिकॉर्ड के लिए है। इसकी फोटो तो ले सकते हैं? हाँ, श्योर। एक मिनट बाकी है और तुम अब तक प्लेन में हो, तौहीद और लेट। अभी 60 सेकंड बाकी हैं जनाब। कभी कभी तुम्हें देखकर यह गुमान होता है कि तौहीद कोई इंसानी जिस्म नहीं, किसी मशीन का नाम है जिसमें खुशी, गम, दर्द और रहम नाम का कोई भी पुर्जा नहीं। इसलिए मशीनें गद्दार नहीं होती जनाब। फरमाइए, किस मिशन के लिए याद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आकर दोस्ती का जो लड्डू हमारे वजीर आजम को खिलाया है, हम उसे उनके गले से उतरने नहीं देंगे। इसलिए अब तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी वजीर आजम का कत्ल करना है। पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दावत पर भारत तशरीफ ले जा रहे हैं, ताकि दोनों मुल्कों की नफरत को प्यार में बदला जाए, इंतकाम को भुलाकर इत्तेहाद पैदा किया जाए, प्यार और अमन की संग बुनियाद रखी जाए। बकवास, उन्हें तो खत सवार है कि लोग उन्हें गांधी की तरह अमन के फरिश्ते की शक्ल में याद करें। उनके सर पर ताज और हम पर दुश्मनों का राज? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ काटा है, हम सर कलम कर देंगे। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। इसी मकसद के लिए हमने 3 जंगें लड़ी थी, जंग जिसमें लाखों शहीद हुए, हजारों कुनबे तबाह हो गए। क्या तुम भुला सकते हो तौहीद कि 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक किया था? बोलो तौहीद, भुला सकते हो तुम? इन हिंदुस्तानी फौजियों ने तेरी मां इनसे तुम्हें बदला लेना होगा तौहीद। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुम्हारी रूह पर लगा है वो उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक बदला ना ले लिया जाए। बदला तौहीद, बदला, बदला। प्लान क्या है जनाब? हिंदुस्तान में हमारे एजेंट वहां के कुछ ईमान फरोश लीडरान से मिले हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दंगे फसाद और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन असल कारनामा तुम्हें देखो तौहीद, 1 अक्टूबर को सिंगापुर से ड्राई फ्रूट्स का एक शिपमेंट हिंदुस्तान के एक शहर मुंबई पहुंचेगा, जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिलने वाले हैं। उस शिपमेंट के एक कंटेनर में एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। उस कंटेनर का नंबर होगा OPN-1613M। आई रिपीट, OPN-1613M। अब तुम्हें किसी भी तरह इस डॉकयार्ड में दाखिल होकर ये गन हासिल करनी होगी, और जैसे ही पाकिस्तानी वजीर आजम का प्लेन डॉकयार्ड्स के ऊपर से गुजरेगा, उसी वक्त तुम्हें अपना निशाना क्या हुआ मुसलमान? अरे यार, तू मुसलमान मत बोला कर। क्यों, तू मुसलमान नहीं है? अरे मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान पर टिके रहने वाला इंसान। यहाँ साला पैरों पर नहीं टिका जाता, ईमान पर क्या टिकूंगा। ले। हिंदू भाई, ये तस्वीर देख रहा है? इसकी शक्ल बिल्कुल जब्बार से मिलती है। जब्बार? हाँ,
यहाँ के फाइव स्टार होटल का मालिक जब्बार सेठ। जनाब आला, आप तमाम हजरात इस मुल्क के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी हथेली पे गुंडे पनपते हैं और उंगलियों पे सरकार नाचती है खशबों लगा के। एक गली का कुत्ता भी जब दूसरी गली में कुसता है तो लड़ाई लाजमी है, और या तो दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है खुशबू लगा के। रोकना है, हर कीमत पर रोकना है। रुपया जितना तुम मांगो, हथियार जितने तुम चाहो, बस ऐसी आग लगाओ कि आसमान झुलस उठे, वो तबाही मचाओ कि हर गली शमशान और हर चौराहा कब्रिस्तान हो जाए। ये बंद ये और मारो इसे, रोक क्यों गए? कबीरा, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो इसे। इस मुल्क में अच्छाई करने वालों के साथ यही होता रहा है, यही होगा। इस मिट्टी में अब बापू, सुभाष, जवाहर जन्म नहीं लेंगे, जन्म लेंगे मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग। जुल्म और आतंक के ये अजगर कभी कश्मीर, तुम सब इन्हीं के सपोले हो जो खुदगर्ज नेताओं की बीन पर लहराते हो। लगाओ आग, जला दो बसों और ट्रेनों को। राष्ट्र की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति थोड़ी ना है। इस मुल्क में पात का बारूद तो इतना भरा हुआ है कि कयामत तक अधर्म युद्ध चल सकता है। की भट्टी में झोंक दो खुशबू लगा के, जसूसी करता है हमारी। आज 27 सितंबर है और तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है मिलिट्री और पुलिस को धोखा दे के। खतरों से ही तो तौहीद खेलता है। हाय, अंदर कैसे आए? तुम्हारे ख्यालों के तरीके खुले थे, चला आया। धत, बेशरम कहीं के, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। रांझना, तू प्यार
सजन मेरे साजना, मैं जाने दूंगी राजना। दीवानगी पे काबू रख। वो दीवानगी ही क्या जो काबू में रहे। तू नहीं जानता आज मैं कितनी खुश हूं रे। मेरा राजना आया है। जी चाहता है चांद से तेरी नजर उतारू, सूरज तुझ पे सदके वारू, पिघला के अपनी जवानी तेरे पैरों में बेड़ियां डालू, ताकि तू फिर कभी तोहीद, चीफ का अर्जेंट मैसेज आने वाला है, तो फौरन मेरे पास आ जा खुशबो लगा के। जनाब, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है जनाब। गुड, वेरी गुड। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद तुमको इंडिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने का बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल जाएगा। जी जनाब। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे एजेंट तौहीद के पीछे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई है। तौहीद, सुना तुमने? जनाब। दिल दारे
तौहीद, तौहीद मेरी जान। तौहीद, दिल में यूं लगता, दिल में यूं लगता, दिल में यूं लगता। वो डांसर लड़की तुमको तौहीद का क्यों बुला रही थी? अरे कैसी तौहीद की शक्ल में? मेरा भाई मिल गया। यश वर्मा, अजय मल्होत्रा ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है कि लोग उसको तौहीद के नाम से पुकार रहे हैं। उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। माँ, 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 क्या बात है बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? माँ, अजय, 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 बेटी। माँ, माँ, राजू भैया का पता चल गया है। इसी शहर में है माँ, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि तू उससे मिलने के लिए कितनी बेचैन है। और क्या? और मैं भी। रांझना, तू तूफान की तरह आता। तौहीद की जिंदगी सफर में ही रहती है, तो मुझे भी अपना हम सफर बना लेना। You are under arrest, Mr. तौहीद। किस जुर्म में? अच्छा, ये भी हमें बताना पड़ेगा। Come out, come out। चलो बाहर। पास पास। Out, out, चलो बाहर। तो गाड़ी ब्रिज क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। जिंदा पकड़ना है। याला मिलिट्री वालों से भागा क्यों? अगर मैं इसके साथ पकड़ा जाता तो ऐसी चीज अपने पास रखता क्यों है जो जिंदगी देने की बजाय जिंदगी लेती है? एक बात पूछूं,
शादी कब कर रहा है? 2 अक्टूबर को मुंबई में। मुंबई में क्यों? क्योंकि वहां ना कोई रोशन आरा को जानता है ना तौहीद को, बस तुम और मैं। तेरा मतलब है तू, मैं और निकाह पढ़ाने वाला काजी? काम की जगह। चलो पी के ही लो। अरे साईं, इस होटल में हार्ड ड्रिंक पीना मना है। अरे तो यार लोग क्या पियेंगे? कनाडा ड्राई। कनाडा ड्राई, बड़ी बड़ी बोतल। अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर, सॉफ्ट ड्रिंक। थैंक यू। हाय तौहीद, कैसे हो? जब्बार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी मैं सही जगह ले जा रही है। तौहीद चले। जी ए, जब भी तुम्हें देखती हूँ पिघलने लगती हूँ मैं। कितनी आग है तुम्हारे अंदर। तो दूर रहो वरना जल जाओगी। जल तो मुद्दत से रही हूँ, आज तो पूछने की बारी है। ऐसे गरज के साथ बरसो कि बस सैलाब आ जाए। स्टॉप इट। नो, ओए करीना। सॉरी, मैं जरा गलत वक्त पे आ गया खुशबू लगा के। नहीं सर, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। और मुझे भी तुम्हारे से बहुत जरूरी काम है। आ जा नीचे कंट्रोल रूम में आ जा। सॉरी फॉर द ब्रेक, रुकावट के लिए खेद है। मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा और सुनने पे सुहागा ये कि बहुत सारे हिंदुस्तानी बच्चे यहाँ से पाकिस्तान गए और बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे यहाँ हिंदुस्तान आए हैं, ताकि आपस की नफरत को भुला के भाईचारा और प्यार बढ़ सके। मगर हमारा बिछाया हुआ बारूद उनके इस नेक इरादे को कामयाब नहीं होने देगा। ओ बच्चों के मरने के बाद तो दोनों मुल्कों की नफरत इंतहा में बदल जाएगी। तो खुशबू लगा के। ये रहे अलग अलग मुल्कों के पासपोर्ट, अब तैयारी करो तौहीद। कमाल है, ओए ये तो हूबहू तेरी तरह दिखता है। साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया शाहजी, चेहरे पे चेहरा इस तरह चढ़ देते हैं कि असल और नकल का फर्क ही खत्म हो जाता है। ओह माय गॉड। लेकिन मेरी हर चोट पर इसकी एक एक परत उतरेगी। कौन है तू? तुम्हारा भाई? पाकिस्तानी का भाई हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? तौहीद की जिंदगी से सिर्फ मकसद जुड़ा हुआ है, रिश्ता नहीं। बोल तेरा मिशन क्या है? अपने भाई को घर ले जाने आया हूँ। बाज घोसला नहीं बनाता और जाबाज अपना घर। सरफरोश मुजाहिद है तौहीद और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान की तबाही। ओ,
अब तक क्या जान चुका है तू हमारे बारे में? बोल। सिर्फ इतना जानता हूं कि हम दोनों लकीर के आर पार खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। उसी बदनसीब के लिए यहां आया हूं जो इंतजार के चौखट पर उम्मीद के दिए जलाए बैठी है, और मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा भैया, इस दलदल से निकाल कर ले जाऊंगा। नहीं शाहजी, इसकी जिंदगी हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी हमारे वजीर आजम की मौत। ओए तो इस लड़की को मिलके पता लगाओ कि इस फितने की असलियत क्या है। खुशबू लगा के प्रेस रिपोर्टर आने दो मारिया, बैठिए। थैंक यू। फरमाइए मिस प्रिया, आपके हसीन चेहरे पर करोड़ों फिदा हैं, लाखों आहें भरते हैं। आप सबकी मेहरबानी, लेकिन क्या कोई ऐसा भी चेहरा है जिस पर आपकी निगाह ठहर गई हो? जी हाँ, है एक जादूगर, अजय मल्होत्रा नाम है उनका। क्या आप हमें उस जादूगर से मिलवा सकती हैं? जरूर मिलवाएंगे, लेकिन इस वक्त वो अपने भाई की तलाश में पंजाब गए हुए हैं जो उनसे बचपन में बिछड़ गए थे। मतलब इस वक्त वो आपसे बहुत दूर हैं? वो तो मेरी सांसों में है, मेरी धड़कनों में है, मेरी आंखों में है, मेरे ख्वाबों में है। सच तो ये है कि मेरा दिल उनके पास है और उनका दिल मेरे पास। अखियों में प्यास जगाए अखियां, अखियों की प्यास बुझाए अखियां। क्या हुआ? एक कहानी का थॉट याद आ गया, अभी लिख के आया। What? Come here. I'm so... लेकिन अगर ये राज तौहीद पर जाहिर हो गया कि अजय उसका जुड़वां भाई है तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं होए, खतरे से पहले ही हम अजय को खत्म कर देंगे खुशबू लगा के। तामझाम तो बहुत बढ़िया है चाचा। हाँ? उस रोज अजय के साथ मैं यहाँ तक आया था, उसके बाद एक खूबसूरत लड़की अजय को लेके उन सीढ़ियों के नीचे गई थी, और ये मेंढक उस लड़की को पहचानता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई नवाब जी? जरा मेरा फकीरी चोला तो उतरना। बिल्कुल। यस प्लीज। ओके। हाँ। हेलो। ओ। हेलो। जानदार। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो। इसका तो काम तमाम। आह।
इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको काटना ही है तो इसको काटिए ना, ताकि आपको काटने में मजा आए और इनको कटने में। अरे ये क्या कह रहा चाचा? चाचा? कौन चाचा, किसका चाचा? हे, कौन हो तुम लोग, यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक? हाँ, ये तो बहुत ही वाजबी सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, वो जनाब हुआ यूं कि इनकी तलाश में पंजाब तक तो हम ट्रेन से आए, वहां स्टेशन से इनके घर गए टैक्सी में, फिर डेढ़ मन की इस मनहूसियत को स्कूटर में बिठा करके हम यहां आए। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उसका विश्लेषण में थोड़ा विस्तार में देना चाहता हूं, क्योंकि गणित में हमारे हाथ जो हैं थोड़े कमजोर हैं। नवाब साहब जी, अभी अभी जब हम लोग तो हमने कितनों को लपेटा? छह नहीं आठ थे यार। छह? अच्छा चलो ना, छह थे ना आठ थे, साथ में समझौता कर लेते हैं। ओके, चार और सात कितने हुए? ग्यारह। भाई साहब गणित में आपके हाथ कम से कम कमजोर नहीं है। उसके बाद छह सात और इधर उधर से है, उनको भी हमने एकदम साफ कर दिया। ग्यारह और सात कितने हुए? अठारह। है क्या कोई और? जी नहीं, आज के समाचार यही समाप्त हुए। बेटे तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। कौमी एकता के फंक्शन पर जब बार ने बारूद बिछा रखा है और उनकी इस साजिश में मेरा भाई राजू भी शामिल है। ओए रब रखा, तू फिक्र ना कर, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आजा बेटे हम चलते हैं। देखो ये मंदिर मस्जिद बने हैं, एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हैं, इस पार आ बैठे हैं वो सारे, उस पार से वो पंछी उड़े हैं, उस पार से वो पंछी उड़े हैं। ये कितने भोले, ये कितने प्यारे, ये कितने भोले, ये कितने प्यारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे। अजय मानव बम, हिंदू भाई आज मुसलमान नहीं बोलेगा, आज ही तो ईमान का काम किया, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, शराब पीता रहा, लेकिन आज नहीं पी, आज नहीं पी मैंने, हो सकता है इन बच्चों की जान बचा ली, क्या था मेरी निजात का जरिया बन जाए। मोहम्मद रसूल अल्लाह। ओए हुआ क्या है यहाँ, क्या हुआ है? शाजी दो आदमी आए थे, वो अजय को छुड़ा कर ले गए। ओ कंजरा तू ये सब पिस्तौले लगा के क्या कर रहा था यहाँ पे? शाजी, 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 अजय ने कौमी एकता वाला अपना प्लान फेल कर दिया, पुलिस किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकती है। क्या बकवास कर रहा तू? मैं सच कह रहा हूँ शाजी। उसकी तो और जल्दी से पुलिस के आने से पहले पहले होटल को आग लगा दो, आग लगा दो।
जब्बार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। सेनेट का लिस्ट। इसका मतलब मिशन मुंबई में। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं। आज 30 सितंबर है और तूने कहा था 2 अक्टूबर को हम शादी करेंगे। 48 घंटे बचे हैं और तूने न काजी से बात की है, न हॉल बुक करवाया है, न कपड़े खरीदे हैं, न गहने बनवाए हैं। मुझे तो लगता तेरा इरादा ही बदल गया। इल्जाम तब देना जब तौहीद का वादा अधूरा रह जाए। आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? अभी लाई। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसे यहीं कहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए लेकिन बोरा। और जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। जब तू आएगा और पहली बार मुझसे माँ कहकर लिपट जाएगा तो कैसा होगा वो पल? कहीं खुशी से मेरी सांस ही न रुक जाए। उस मौके पर एक ही कमी रह जाएगी, तेरे पापा की। मैंने तुझे नन्हा सा ही देखा है, अब तू कैसा लगता होगा? अजय, पाऊंगी मैं आज, सह नहीं पाऊंगी। राजू कहाँ है? बोलना, तू बोलता क्यों नहीं?
राजू राजू बेटे राजू 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 बेटा राजू। देखो मैं जानती हूँ तुमने जरूर से बाहर छुपा रखा है, वो भी कौन सा कम है। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना भगवान के लिए बोल मेरा राजू कहाँ है, बोलना बोलना। राजू 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 मेरे लाल मेरा बच्चा, भगवान तेरा शुक्र है। तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया था, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। भगवान तेरा शुक्र है। माँ क्या हो गया है तुझे, क्या राजू राजू चिल्ला रही है। मैं अजय हूँ। हाँ? अजय तो फिर वो राजू 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 मेरे बच्चे रुक मत, आवाज दे। कहाँ चला गया राजू। ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं उसका भाई हूँ और तू उसकी माँ। ये तो क्या कह रहा है अजय। राजू इस देश का दुश्मन है। मैं नहीं सह सकती भगवान, अपने बेटे पर इतना बड़ा कलंक मैं नहीं सह सकती। मेरे बेटे पर ये कलंक मत लगने दे, मेरे बेटे को अपनी तरफ पत्थर मत बना, पत्थर मत बना। ये ईश्वर ये अल्लाह ये माँ का ही दूसरा रूप है। ये तूफान इस बात का सबूत है कि उसका सिंहासन डोल रहा है, उसकी ममता जाग रही है। क्योंकि जब उसकी ममता जागती है तो दुनिया वालों को अमृत पिलाकर सारा जहर खुद पी जाता है। भटके हुओं को राह दिखाने के लिए ईसा बनकर सूरी पर चढ़ जाता है, मर्दाने की प्यास बुझाने के लिए गुरु नानक का रूप लेकर पत्थर के सीने से पानी पैदा कर देता है, मूसा के लिए बहते दरिया को चीर कर रास्ता बना देता है। रब रखा अपने पिछड़े हुए बच्चों को मिलाने के लिए ममता का ये तूफान नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार मोहब्बत का रास्ता बनाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा जानी दुश्मन है, भारत हमें तबाह और बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। बरसों से, पिछले 50 वर्षों से हम ये बेबुनियाद दहशत अपने दिलो दिमाग में बसाए बैठे हैं। हमने अपने गोदामों में अनाज कम और हथियार ज्यादा भर लिए हैं। हम ईद की तैयारियां उतने शौक से नहीं करते जितने जुनून से जंग करने के लिए आमादा रहते हैं। आज दुनिया चांद सितारों पर आबाद होने के मंसूबे बना रही है और हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। हमने नफरत की दीवार तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन वो रोशनदान भी बंद कर लिए जहां से दोस्ती का नूर अंदर आ सके। इंशाअल्लाह जिस दिन हिंदो पाक में दोस्ताना हो जाएगा उस दिन ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक अजीम ताकत बन सकते हैं। लेकिन यही बेरूनी ममालिक नहीं चाहते, वो हमें लड़वाने के लिए हथियार तो देते हैं लेकिन दोस्ती का मशवरा हरगिज नहीं। लेकिन जनाब इस बार वो हिंदू देश है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। आपके मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज हैं। इसके बावजूद वहां की हुकूमत ने कभी भी उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं की। मुसलमानों के लिए अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है। वहां के गैर मुस्लिमों का खुलूस तो देखिए, वहां के वाजदा प्रधानमंत्री खुद रोजदारों के साथ इफ्तार करते हैं, ईद की खुशियां मिलजुल कर बांटते हैं। नाउज़े बिल्ला, शर्म की बात तो हमारे लिए यह है कि हम इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद शिया और सुन्नी के मसलों पर कत्लेआम करते रहते हैं। जनाब ये तो घर के झगड़े हैं,
लेकिन पाकिस्तान और भारत का मिलाप तभी होगा जबकि कश्मीर का मसला हल होगा। जनाब, जिस तरह पंजाब में सरहद पड़ी हमने कबूल की, राजस्थान में सरहद पड़ी हमने कबूल की, कच्छ की सरहद को भी हमने तस्लीम देंगे। आमीन। मैं समझ गई तो क्या सोच रहा है। सच पूछ तो मेरे दिल में सैकड़ों तूफान मचल रहे हैं, हर पल सदियों से लंबा लग रहा है। खुदा करे ये फासले से मर जाए और वो घड़ी उड़ के आ जाए जब तू मेरा दुल्हा बने और मैं तेरी दुल्हन। अच्छा ख्वाब देखती हो तो सौतन बीप बीप करने लगती है। मैं भी तो देखूं सुहाग के जोड़े में कैसी लगती हो। सच बताओ। तुम समझ गए ना तौहीद? तौहीद ओपीएन 1613M का मतलब अच्छी तरह जानता है। अब तक मेरे हाथों हिंदुस्तानी अफसरों का कत्ल हुआ, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानी वजीर आजम को मारने का सहरा भी मेरे सर पर। तुम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में करना चाहते हो ताकि इसका इल्जाम हिंदू। अपनी शादी की बातें। मैं अपनी शादी के बारे में बात करूं? चाहे मेरा होने वाला शौहर इस मुल्क की सुहागनों को विधवा बना दे, मैं अपने घर के बारे में सोचूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर यहाँ के मकानों को कब्र में बदल दे, मैं सुहाग की चुनरी को अपनी आंखों में लपेट लूं ताकि लाशों की ढेर नजर न आए, इन झूठों की दखल न हो कि यदि बच्चों की चीखें सुनाई न दे। यही चाहते हो ना तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे, मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। कौन हो तुम? सुनना चाहती हो? मैं पाकिस्तानी तंजीम का खुफिया मेंबर हूँ। जिस होटल में तुम नाचती थी वो हमारा कंट्रोल टावर था, और जब्बार हमारे मिशन का सरगना रोशन आरा, तू मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ दे, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। सौदा? नहीं, मदद। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा कुरान एक है। मेरा साथ दे रोशन आरा। जब कुरान और ईमान का वास्ता दे दिया तो इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा? तेरे मकसद के खातिर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बलि नहीं चढ़ेगा। इस मुल्क के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत की जमानत दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही है? जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहां के रहने वाले किस मजहब के हैं, वो सिर्फ दुश्मन होते हैं। अगर तेरी नजर में यहाँ के मुसलमान दुश्मन है तो मैं तेरे दोस्त कैसे हो गई? एक दुश्मन से मदद की उम्मीद क्यों रख रहा है तू? क्योंकि मैं तेरा प्यार हूं। नहीं, प्यार का वास्ता देके मुझसे गद्दारी की उम्मीद मत रख, मजहब की आड़ लेके सरहद की जंग मत लड़। अरे रोशन आरा बेटी है एक मुसलमान की, जिसे पहचान है अपने ईमान की।
प्यार तो क्या, जहाँ तक लुटा दूंगी, मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। रोशनी आगे मत बढ़। किसने गोली मारी तुमको? किसने मारा तुमको? इस फोटो को देखो, इसने मारा तुमको? इसने मारा तुमको? लेकिन क्यों? वो खतरनाक मिशन पे। मिशन? मिशन? कैसा मिशन? OPN 1613M पाकिस्तानी। You are under arrest. आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ऑपरेशन 1613M का क्या मतलब है? What does it stand for? मैं हजार बार कह चुका हूं कि मुझे इस कोड का मतलब नहीं मालूम, नहीं मालूम। Then who the bloody hell knows it? किसे मालूम है ये? तौहीद को। कबीरा आप? हाँ ब्रार साहब, दो जुड़वा भाइयों की अजीबोगरीब दास्तां है जिसका शिकार लगातार ये होता रहा है। आज अगर आपने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो इसका असर देश पर भी पड़ सकता है। लेकिन यकीन करने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना। बेस है ब्रार साहब, डॉक्टर दस्तूर। हो सकता है उसके जरिए अजय का दिमागी तार उसके जुड़वा भाई तौहीद से मिल जाए और हमें यह पता चल जाए कि इस वक्त तौहीद कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन सर, ऑपरेशन 1613M डिकोड कर लिया गया है। मर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हिंदुस्तान में। कॉन्टैक्ट एयर कंट्रोल, कॉन्टैक्ट द जनरल, कॉन्टैक्ट इस्लामाबाद, एनीबॉडी हू इज रिस्पॉन्सिबल, गेट हिम ऑन द लाइन फास्ट, कम ऑन फास्ट। ब्रार साहब, मेहरबानी करके दस्तूर को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दीजिए। नो नो, आई हैव नो टाइम फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। हो सकता है तौहीद इस मिशन पे हो। हम अंदाजों पर नहीं चलते। कभी कभी अंदाज सच हो सकते हैं सर। Why don't you understand, कबीरा? अजय मल्होत्रा इज अ डैम हार्डकोर क्रिमिनल।
अगर उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाकर ये वहां से भाग निकला और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, then who the bloody hell will be responsible? उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं होऊंगा जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार होऊंगा, मैं, मेरा फर्ज जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार होगी मेरी ये वर्दी, जिम्मेदार होंगे मेरी छाती पर लगे हुए तमगे, जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू। जिम्मेदार होगी एक बाप की कुर्बानी, जिम्मेदार होगा एक मां का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। और अगर ये सब जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा बड़ा साहब। ओके कबीरा, ठीक है, I'll give it a try. Thank you, brother. Wish you good luck, sir. लेकिन जनाब, आप इतने छोटे से हवाई जहाज में भारत जा रहे हैं, क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं? जब भारत के वजीर आजम बस में आ सकते हैं तो क्या मैं छोटे प्लेन में नहीं जा सकता? मुल्क का सही रहनुमा, सही लीडर वही होता है जो अपने मुल्क का पैसा बचाए। आइए सर, प्लीज। मैं मुंबई से जनरल बरार बोल रहा हूँ। कहिए जनाब। आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आने के लिए शेड्यूल है, उसे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक रोक दिया जाए। ओके सर। अब तो हमारे वजीर आजम साहब उड़कर ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं जहाज का कप्तान इमरान बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी। तौहीद, अजय मल्होत्रा का जुड़वा भाई, वो तौहीद जिसकी वजह से अजय मल्होत्रा की जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। और अब तुम सितारों में घूम रहे हो, सितारों में, चारों तरफ सितारे हैं। यू आर मूविंग विद द स्टार्स। कहाँ हो तुम? सितारों के बीच। एक्सक्यूज मी सर। हाय, हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम फाइन। और क्या कर रहे हो आजकल? बस यार, आजकल पीएम साहब के साथ हूँ। दैट्स वेरी गुड। और अबू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। अचानक तुम भौर में फंसने लगे। तुम भौर में फंसते जा रहे हो। तुम भौर में फंसते जा रहे हो। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, डूब जाओगे तुम। तौहीद, इस वक्त तुम कहाँ हो? तौहीद, तुम कहाँ हो? इस वक्त मैं डॉक्स में हूं। सर, डॉक्टर दस्तूर ने पता लगा लिया है कि तौहीद इस वक्त डॉक यार्ड में है। आई सी। देखो, शर्मा को डॉक्स में भेज दो और तुम सीधा एयरपोर्ट चले आओ। सर, SOS, मेडे, दिस इज फ्लाइट 490, फ्लाइट 490, SOS, मेडे, मेडे। लगता है हम सारे कंट्रोल्स खो चुके हैं। अब क्या करें सर? हम लोग आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। आई थिंक लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मुंबई। बाबा, मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा।
OPN-1613M, यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में। मुझे खतरा लग रहा है, अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू आर राइट सर। नहीं बेटे, नहीं नहीं भैया, मत पुकारो मुझे भाई कहकर। तकलीफ होती है, रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग, दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद कहते हो? लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद कहते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहूलुहान मैंने किया? ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है? वो खुदगर्ज जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो, उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो। और जब मुल्क जंग लड़ रहे हैं उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप उठते हैं वो। अगर मकसद की बात करते हो तो रोको, रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रहे हैं। भाई, Thank you.
तुम, तुम्हारा भाई। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना भगवान के लिए, बोल मेरा राजू कहाँ है, बोलना। हम दोनों लकीर के आर पार जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। ये खून मेरे जिस्म से पहले क्यों नहीं बहा? कम से कम तुम मुझे अपने सीने से तो लगा लेते। तौहीद, ये मत समझ लेना कि तुम भाइयों के मिल जाने से हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वजीर आजम मरेगा, जरूर मरेगा, और अब इस कारनामे को एयरपोर्ट पर जब बार अंजाम देगा। बचा लो बेटे, इन दोनों मुल्कों के करोड़ों इंसानों को बचा लो जो अमन और भाईचारा चाहते हैं। सन 47 में बंटवारे के खंजर से इस मुल्क की छाती पर एक लकीर खींच दी गई थी। अब वक्त आ गया बेटे कि उस जख्म को प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के मरहम से भर दिया जाए। ये काम तुम नौजवान ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो बेटे। क्या कह रहे हो शर्मा? Come on, give me the phone. Yes, शर्मा बोलो। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पर मिसाइल से अटैक हुआ, लेकिन वो बच गए। उन्हें एयरपोर्ट में भी खतरा है सर। What? हमारे क्लीयरेंस के बिना प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आया कैसे? गुल अफगान। जनाब, ओह माय गॉड, बस चलो। वजीर आजम साहब, आपकी मौत तय है। अल्लाह हाफिज। नीचे भाई संभाल के।
सर आप फिक्र मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अजय हेडफोन्स, हेडफोन्स। वजीर आजम के साथ ओल्ड मुंबई एयर स्ट्रिप पे लैंड करेंगे। यू कैन हियर मी अजय? गुलाब खान, गुलाब खान। व्हाट हैपेंड सर? वजीर आजम को लगता है तौहीद और अजय ने बचा लिया है। किल देम खशबो लगा के। जो हुक्म जनाब। कमांडोज अटैक। नहीं तो मारे जाएंगे हम सब। गुलाब खान, मर जाओ या मार दो। मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं जनाब। हेलीकॉप्टर लेकर प्लेन में घुस जाओ। लेट्स गो बैक। हेलीकॉप्टर को घुसा दो प्लेन में। तू, ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के? आज खुशबू नहीं लगेगी। बस चलाए। Oh!
तुम्हारा इतना बड़ा प्लान फेल हो चुका है। तुम्हारे तौहीद ने धोखा दिया। जनाब, यही है वो शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, दोनों मुल्कों का दुश्मन है। हेलो जब्बार, जब्बार मैं जनरल हैदर बोल रहा हूँ। जब्बार बोलते क्यों नहीं? मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जब्बार क्या हुआ? वजीर आजम मरा या नहीं? वजीर आजम मरा या नहीं? जब्बार, जब्बार जवाब दो। जब्बार, हेलो जब्बार, जब्बार जवाब दो। हेलो जब्बार, हेलो। अरेस्ट हिम। ये नहीं हो सकता जनाब, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, गद्दारों का साथ तो खुदा भी नहीं देता। नूर मोहम्मद, चिल्लाइए मत। मुल्क के साथ गद्दारी और वजीर आजम के कत्ल की साजिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तौहीद। राजू, 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 नहीं 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 बेटे, आंखें खोलो राजू, आंखों, राजू, 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 ओए भगवान। माँ, माँ की गोद मिली तो नींद आ गई। सकते हैं तो फिर इस धरती की गोद में आकर वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते? इसका जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है बेटे, भगवान के पास भी नहीं है बेटे। आवाम यही चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की आवाम यही चाहती है। सैकड़ों बरसों से संतों और दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक डोर से बांधे रखा, भारत और पाकिस्तान। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। हम अलग अलग सही हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें दीवार की इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। अरे जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इस दीवार का वजूद ही क्या है? जनाब, अब आवाम खुद मिलना चाहती है, खुद मिलना चाहती है आवाम। जब जब मिले तो कहते हैं ऐसे अच्छे पड़ोसी रहते हैं ऐसे। जब जब मिले तो कहते हैं ऐसे। यही वो ख्वाब है जो आपके सहयोग के बिना हकीकत में नहीं बदल सकता।